राम राम। दोहा 38 के आगे सुंदरकांड की कहानी बढ़ती है। रावण की सभा लगी हुई है और विभीषण रावण को नीति का ज्ञान दे रहे हैं। तो विभीषण से रावण ने उनकी राय पूछी है, तो विभीषण हर प्रकार से जो नीति के अनुसार जो बातें हैं वो रावण को समझाने का प्रयत्न कर रहा है, क्योंकि रावण की उस सभा के अंदर रावण की ही तरह उसके अभिमानी सचिव भी हैं, मंत्री हैं, जो केवल उसकी प्रशंसा कर रहे हैं और उसको वो बातें नहीं बता रहे हैं जो लंका के और रावण के हित में हैं। उस जगह पर केवल विभीषण ही एकमात्र ऐसे हैं जो रावण को नीति की बात बताते हैं और समझा रहे हैं। रावण को अब विभीषण भगवान श्री रामचंद्र जी के बल के विषय में बताते हैं। वो क्या कहते हैं, तात राम नहीं नर भूपाला, भुवनेश्वर का लहू कर काला। विभीषण कहते हैं कि हे तात, राम मनुष्यों के राजा ही नहीं है। आप ये मत समझिए कि वो कोई साधारण मनुष्य हैं, वो अयोध्या के राजकुमार हैं, वो दशरथ के पुत्र हैं, वो एक साधारण मनुष्य हैं, एक साधारण राजकुमार हैं, वे समस्त लोकों के स्वामी और काल के भी काल हैं। तात राम नहीं नर भूपाला, भुवनेश्वर काल होकर काला। ब्रह्म अनामय अज भगवंता, व्यापक अजित अनादि अनंता। कितना सुंदर वर्णन है भगवान श्री रामचंद्र के विषय में जो विभीषण जी बोल रहे हैं। वो कहते हैं कि वे संपूर्ण ऐश्वर्य, यश, श्री, धर्म, वैराग्य एवं ज्ञान के भंडार हैं। यानी कुछ ऐसा है नहीं, आखिर नारायण से परे क्या है, नारायण ही तो हर चीज के स्रोत हैं। वो ऐश्वर्य, यश, श्री, धर्म, वैराग्य एवं ज्ञान के भंडार हैं, भगवान हैं। वो निरामय हैं यानी विकार रहित हैं, उनमें कोई भी विकार नहीं है। और अजन्मा हैं, व्यापक हैं, अजेय हैं, अनादि हैं और वो अनंत परम ब्रह्म हैं। वो हैं श्री राम। इसलिए श्री राम को आप केवल मर्यादा पुरुषोत्तम समझने की प्रयत्न मत करिए, यानी पुरुषों में ही वो उत्तम नहीं है। वो तो अजन्मा हैं, व्यापक हैं, अजेय हैं, अनादि हैं और अनंत ब्रह्म हैं। ऐसा समझा रहे हैं विभीषण रावण को। और क्या बोलते हैं, गोद्विज धेनु देव हितकारी, कृपा सिंधु मानुष तनुधारी। वो कहते हैं कि उन कृपा के समुद्र भगवान ने पृथ्वी, ब्राह्मण, गौ और देवताओं का हित करने के लिए ही मनुष्य का शरीर धारण किया है। वो बताते हैं रावण को कि आखिर नारायण नर के रूप में क्यों आए हैं। वो बोलते हैं कि उन कृपा समुद्र भगवान ने पृथ्वी पर केवल इसलिए अवतार लिया है क्योंकि वो ब्राह्मण, गौ और देवताओं का हित करने के लिए आए हैं। आगे क्या कहते हैं, जन रंजन भंजल खल ब्राता, वेद धर्म रक्षक सुन भ्राता। हे भाई सुनिए, वो सेवकों को आनंद देने वाले हैं, दुष्टों के समूह का नाश करने वाले हैं और वेद तथा धर्म की रक्षा करने वाले हैं। ऐसे हैं प्रभु श्री राम। रावण को बराबर विभीषण समझा रहे हैं प्रभु श्री रामचंद्र जी के बारे में। आगे क्या बोलते हैं, ताही बयर तज नाई माथा, प्रणतारति भंजन रघुनाथा। वो बोलते हैं कि वैर त्याग दीजिए, वैर त्याग करके उन्हें मस्तक नवाइए और वे श्री रघुनाथ जी शरणागत का दुख नाश करने वाले हैं, क्योंकि जो भी प्रभु की शरण में जाता है भगवान उसका कल्याण ही करते हैं। देहु नाथ प्रभु कहूं बैदेही, भजहु राम बिनु हेतु सनेही। आगे बोलते हैं कि उन प्रभु, उन सर्वेश्वर भगवान श्री रामचंद्र जी को आप जानकी जी दे दीजिए, वापस कर दीजिए और बिना ही कारण स्नेह करने वाले भगवान श्री रामचंद्र जी को भजिए, उन्हीं का गुणगान करिए, उन्हीं की पूजा करिए, मैया जानकी को लौटा दीजिए। शरण गए प्रभु ताहु न त्यागा, विश्व द्रोह कृत अगज ही लाघा। विभीषण बोलते हैं कि जिसे संपूर्ण जगत से द्रोह करने का पाप लगा है, शरण जाने पर प्रभु उसका भी त्याग नहीं करते। यानी यदि आपने बहुत पाप भी किए हैं, विश्व द्रोह का आपके ऊपर पाप लगा हुआ है, फिर भी यदि आप सच्चे मन से ईश्वर की शरण में चले जाते हैं तो भी ईश्वर आपको त्यागते नहीं है। वो बात अलग है,
कि आपने जो कर्म किए हैं उनका दंड आपको जरूर मिलेगा, लेकिन हो सकता है कि उन दंड का ताप कुछ आपको कम हो जाए और प्रभु की शरण में आपके कष्ट थोड़े से कम हो जाएं। लेकिन प्रभु की शरण ही है जो आपको भव सागर से पार करा सकती है। जासु नाम त्रय ताप न सावन, सोई प्रभु प्रकट समझ जिय रावन। और जिनका नाम तीनों लोकों के ताप का नाश करने वाला है, तीनों तापों का नाश करने वाला है, वो ही प्रभु भगवान नारायण मनुष्य रूप में प्रकट हुए हैं, हे रावण। इसलिए हृदय में ये बात समझ लीजिए। क्या बात? बार बार पद लागू विनय करूं दस शीस, परिहर मान मोह मद भजौ कोसलाधीश। कि हे दशशीष, मैं बार बार आपके चरण लगता हूं, आपके चरणों में शीश नवा रहा हूं, विनती कर रहा हूं कि आप मान मोह और मद को त्याग करके कोसलपति भगवान श्री रामचंद्र जी का भजन करिए, उन्हीं की शरण में चले जाइए। मुनि पुलस्त निज शिष्य सन कही पठाई यह बात, तुरत सुमय प्रभु सन कही पाय सुअवसर तात। और आगे बताता है कि मुनि पुलस्त जी ने अपने शिष्य के हाथों ये बात कहला भेजी है। मुनि पुलस्त यानी रावण के, वो विशर्वा का पुत्र है और विशर्वा के पति हैं, के पिता हैं पुलस्त्य ऋषि, बहुत बड़े ऋषि हैं, बहुत बड़े, और उनका वंशज होने के कारण उनको भी चिंता है, यानी ऋषि पुलस्त्य को भी ये चिंता है कि मेरे वंश में ऐसा हो रहा है। तो विभीषण कहते हैं कि ऋषि पुलस्त्य ने अपने शिष्य से ये बात कहला भेजी है, तो इसलिए हे तात, सुंदर अवसर पाकर मैंने तुरंत ही वह बात आपसे कह दिए, यानी मैंने उनका संदेश आपको बता दिया है। उनका संदेश भी यही है कि सीता को श्री रामचंद्र जी के पास वापस भेज करके उनकी शरणागति स्वीकार कर लीजिए, इसी में राक्षस कुल का हित है, अन्यथा आगे क्या हो सकता है ये तो सभी को विदित है। यहां पर सुंदरकांड का दोहा 39 संपन्न होता है। इसके आगे की कथा आपको फिर सुनाऊंगा। तब तक के लिए जय श्री राम।